दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ Realme 8। और भाई साहब जितना अच्छा ये मोबाइल है उससे कई गुना ज़्यादा इसके अंदर हिडन फीचर्स होने वाले हैं। तो ये हिडन फीचर्स अगर आप जान लेते हो तो मोबाइल को चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और काफ़ी ज़्यादा अलग सा फील होगा। तो इन हिडन फीचर्स को अच्छी तरह से समझने के लिए आपका ज़रूरी है कि वीडियो को एंड तक ध्यान से देखते रहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला हिडन फीचर आपको बताता हूँ मैं Realme 8 के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर दिख रहा होगा पर्सनलाइजेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे ऊपर आपको नॉर्मल सी चीज़ें मिलती है जैसे कि थीम्स यहाँ पे लगा सकते हो अगर आपके पास इंटरनेट वगैरह है, और यहाँ पे वॉलपेपर्स लगा सकते हो। पर यहाँ पर जो नीचे है ना ये चीज़ें वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, जैसे कि आइकन स्टाइल्स। अभी जो आपके आइकन है जैसे कि सेटिंग वगैरह का लोगो देख लीजिए या वीडियोज़ वगैरह का लोगो देख लीजिए, अभी नॉर्मल है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है। तो आपको क्या करना है, इसको मटेरियल के अंदर करना है। ये देखिए पूरा चेंज हो चुका है, पेबल के अंदर करोगे तो पूरा वीडियो वगैरह पूरा चेंज हो गया। ये एक बार मैं दिखाता हूँ, देखिए डिफॉल्ट के अंदर ऐसा है, एक बार वीडियो के ऊपर फोकस रखिए जो वीडियो वाला ऑप्शन है, और पेबल के अंदर देखिए वीडियो का पूरा चेंज हो चुका है, सेटिंग का भी पूरा बदल चुका है। तो आप चाहते हो कि यहाँ पे मुझे अलग करना है सबसे, तो अलग इनको ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए इनकी आपको साइज़ को भी बढ़ा सकते हो, जैसे कि आप इनकी बड़ी साइज़ करना चाहते हो, देखिए इतने बड़े हो चुके हैं, आप इनको छोटा करना चाहते हो देखिए छोटा कर दीजिए। और इनके जो ऐप के नेम है जैसे कि सेटिंग का नेम है, इनको आप बड़ा कर सकते हो देखिए, और छोटा भी कर सकते हो ये देखिए, और हाइट भी कर सकते हो, यानी कि अब नेम यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मतलब आपको यहाँ पे शक्ल देख के पहचानना पड़ेगा कि भाई तू कौन है। तो यहाँ पे आप नेम को भी हाइड कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट रखना है तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे कर दीजिए, अब जैसा था वैसा हो जाएगा। और मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे कस्टम दिख रहा होगा आपको, इसके ऊपर क्लिक करना है। और इनका आप शेप भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर अभी आपके कुछ इस तरह से शेप है, तो ये देखिए कुछ इस तरह से हो चुका है, यह कुछ इस तरह से कर लीजिए। तो इससे क्या होता है दोस्तों, काफ़ी यूनिक सा लगने लग जाता है सच में, मतलब काफ़ी अलग लगता है दूसरों के मोबाइल से। और अगर आपको वैसा ही रखना है जैसे स्टार्टिंग में आता है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे कर दीजिए वैसा का वैसा है जैसे आपके पहले था। तो अब मैं मज़ेदार चीज़ आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर देखिए फिंगरप्रिंट एनिमेशन का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर जब क्लिक करते हो तो अभी आपके कुछ इस तरह का होगा फिंगरप्रिंट। पर भाई साहब यहाँ पे इतने तगड़े तगड़े फिंगरप्रिंट के ऑप्शन मिलते हैं, ये देखिए यहाँ पे जब भी फिंगरप्रिंट लगाओगे तो कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे धुआं ही धुआं हो जाएगा पूरी स्क्रीन पे, ये देखिए भाई साहब काफ़ी यूनिक है इस मोबाइल के अंदर, मतलब आप जब भी फिंगरप्रिंट लगाओगे ये देखिए कुछ इस तरह से, या आपको जो भी अच्छा लगता है यहाँ पे कर लीजिए। ये देखिए काफ़ी तगड़े तगड़े, जब भी आप फिंगर लगाओगे इसके अंदर तो कुछ इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको जो अच्छा लगता है यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। और इसके नीचे आप देख पा रहे हो कलर्स का ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों, ये भी बहुत ही कलरफुल करने वाला है आपकी ज़िंदगी को। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि आपके यहाँ पे ब्लू कलर है, जैसे कि आप वाईफाई वगैरह जितने भी हैं ब्लू कलर के अंदर है, तो आप चाहते हो कि इनको ब्लू कलर के अंदर नहीं रखना है, मुझे मेरे फेवरेट कलर के अंदर रखना है। जैसे कि आपका अगर फेवरेट कलर है येलो, तो मैंने येलो कर दिया, ये देखिए सारे येलो हो चुके हैं। तो आपका जो भी कलर फेवरेट है आप उसको रख सकते हो, और आपको डिफ़ॉल्ट करना है तो यहाँ पे ब्लू पे भी रख सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो फेवरेट कलर है उसको यहाँ पे कर लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ नोटिफिकेशन ड्रॉवर, ये देखिए यहाँ पे यहीं पर आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर जब क्लिक करते हो तो आपके अभी शायद ये है नॉर्मल सा, मतलब राउंडेड शेप के अंदर है ये जो आपके वाईफाई वगैरह है, पर यहाँ पर आप चाहते हो कुछ इस तरह से रखना है, या मैंने अभी ऐसे कर रखा था। ये देखिए आपका जो फेवरेट है आप जैसा रखना चाहते हो इन सभी को रख सकते हो, देखिए काफ़ी अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पे राउंडेड के अंदर रखना चाहो तो राउंडेड के अंदर भी रख सकते हो, शायद अभी आपके राउंडेड के अंदर ही होंगे, तो आप अपनी मर्जी से इन सभी को अलग तरीके से रख सकते हो। तो दोस्तों अगर ये आपके लिए यूजफुल है ना, तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि वीडियो में आप इतना खो जाओगे कि वीडियो को लाइक करना भूल जाओगे। तो फटाफट से बढ़ते हैं अगले हिडन फीचर की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कि यहाँ पर आप एक साथ में दो एप्स को कैसे यूज़ कर सकते हो, यानी कि आप चाहते हो कि मुझे WhatsApp पर चैटिंग वगैरह भी करनी है और YouTube पर वीडियोस वगैरह भी साथ में ही देखना है, तो ये सब कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। अब आपको थ्री फिंगर से ऐसे ऊपर करना है, और ये देखिए आपको यहाँ पे मैसेज वाले को ओपन कर लेना है। तो अब यहाँ पर आप दोनों को एक साथ में यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे मैसेज वाला भी चला सकते हो और यहाँ पर आप कॉल वगैरह भी चला सकते हो, मतलब मैंने एग्जांपल दिया है, आप ऐसे यूट्यूब वगैरह भी चला सकते हो। और अगर आप चाहते हो इन दोनों को बड़ा या छोटा करना है, जैसे कि मैं इसको छोटा कर देता हूँ और इसको बड़ा करना चाहो तो बड़ा कर सकते हो, और पूरा कॉल वाले को रखना है तो ऐसे करोगे तो पूरा कॉल वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूजफुल चीज़ें हैं, आप एक साथ में दो एप्स को यूज़ कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि आपका कोई दोस्त आपसे मोबाइल मांगता है कि भाई मुझे आपका मोबाइल चाहिए सिर्फ कॉल करना है, या आपके बच्चे मांगते हैं कि मुझे सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़ देखने हैं,
पर आपको शक है कि कुछ और चीज़ें ना देख ले, कोई हमारी प्राइवेट चीज़ ना देख ले, तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा, यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन ये देख पा रहे हो सिक्योरिटी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, सबसे नीचे जाना है और यहाँ पर देख पा रहे हो स्क्रीन पिनिंग, इसको ऑन कर लीजिए। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपके किसी भी दोस्त ने मांगा कॉल के लिए, तो आप यहाँ पे कॉल वाला ओपन करके ऐसे करना है, टू डॉट के ऊपर क्लिक करना है और पिन कर देना है इसे। अब क्या होगा दोस्तों, आपका दोस्त यहाँ से बैक नहीं जा सकता, यहाँ पे कॉल वगैरह जितनी करना चाहे कर सकता है, पर अगर बैक वगैरह जाना चाहे तो नहीं जा सकता। पर अगर आपको बैक जाना है तो कैसे जाना है, ये जो बैक बटन और ये जो रिसेंट एप्स वाला बटन है, इन दोनों को साथ में ऐसे प्रेस करके रखना है। अब आपका जो ऐप है अनपिन हो चुका है, अब आप बाहर जा सकते हो। पर आप सोच रहे होंगे कि यार अगला थोड़ा बहुत तो समझदार होगा ही, तो वो खुद ऐसे बाहर चला जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। आप यहाँ पर लॉक भी लगा सकते हो, यानी कि अगर आप यहाँ पर लॉक लगाओगे तो आप इस लॉक को जब तक नहीं खोलोगे तब तक वो ऐप अनपिन नहीं होगा, तो वो कुछ दूसरी चीज़ तो देख ही नहीं सकता। जब भी उसको दूसरी चीज़ देखनी पड़ेगी तो आपसे लॉक तो उसको खुलवाना ही पड़ेगा, तो आप यहाँ पर लॉक भी लगा सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो इसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप चाहते ऊपर बैटरी के परसेंटेज वगैरह शो हो रहे हैं, अगर आपके नहीं हो रहे तो आपको कैसे शो करना है, या आपको हाइड कैसे करना है, या आपके जो बैटरी के परसेंटेज साइड में कैसे होना है। और इसके साथ मैं आपको बहुत ही यूजफुल चीज़ बताता हूँ, जैसे कि आपको एक नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आपके कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप यहाँ से क्लियर कर देते हो और वो क्लियर हो जाता है। पर आपके मोबाइल के अंदर एक ऐसा भी सिस्टम है दोस्तों, अगर उसको ऑन कर लेते हो तो अगर आप एक महीने के बाद भी अगर उस हिस्ट्री को जाकर देखोगे तो आपको पूरी हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी कि आपके कब किसका मैसेज आया था, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, सब कुछ पूरी डिटेल रहेगी। तो इसके लिए आपको ऑन कैसे करना है इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पर आपको जाना है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले टाइम के, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे डू नॉट शो है अभी, यहाँ पे मतलब टाइम, तो आप यहाँ पे देखिए टाइम आपसे यहाँ पे मिनट वगैरह कर सकते हो, और ये देखिए आपको सेकंड भी रखनी है साइड साथ में, ये देखिए सेकंड भी चलने लग जाती है। अगर आपको टाइम के साथ में सेकंड चाहिए तो आप टाइम भी यहाँ पे सेकंड्स भी कर सकते हो। और अब देखिए जहाँ पे जो बैटरी के परसेंटेज है वो इनसाइड द बैटरी आइकन, यानी कि बैटरी के अंदर है, आप चाहते हो आउटसाइड, ये देखिए बाहर शो होने लग चुके हैं, और यहाँ पे आप चाहते हो कि शो ही ना हो तो यहाँ पे शो ही ना होंगे बैटरी के परसेंटेज, तो इन सभी को आप कस्टमाइज कर सकते हो। आपको जहाँ भी बैटरी के परसेंटेज रखने हैं रख सकते हो। और यहाँ पर देखिए रियल टाइम नेटवर्क की स्पीड, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है आपके लिए। इसको ऑन करने से क्या होगा, जैसे कि आपका इंटरनेट की स्पीड चल रही है, ठीक है, तो आपको पता चलता रहेगा कि आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है कितनी एमबी पर सेकंड चल रही है, तो इसको भी आप ऑन कर सकते हो। और नोटिफिकेशन आइकन, जैसे कि अभी आपके सेटिंग का नोटिफिकेशन आया हुआ है, वो सेटिंग का नहीं, मतलब जो मोबाइल की सेटिंग है उसका नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो यहाँ पर आपके सेटिंग का लोगो है, ठीक है। अब आप नोटिफिकेशन काउंट भी कर सकते हो, यहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशंस रहेंगे उतने यहाँ पे नंबर्स के अंदर शो हो जाएगा, तो यहाँ पे आप आइकन्स के अंदर भी रख सकते हो, अपनी मर्जी है। अब मैं आपको बताता हूँ जो मैं आपको बताने वाला था, जो नोटिफिकेशन हिस्ट्री के बारे में बताया था। आप सोच रहे होंगे यार वो तो बता ही नहीं रहा, ये फालतू की चीज़ें बता रहा है, तो यहाँ पे मैनेज नोटिफिकेशन के ऊपर जाना है और मोर के अंदर जाना है और नोटिफिकेशन हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करना है, इसको ऑन कर लेना। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर कोई भी आपके नोटिफिकेशन आएगा और आप यहाँ से क्लियर कर दोगे तो आपके पास पूरी हिस्ट्री मौजूद रहेगी पीछे की, कि आपके कब किसका नोटिफिकेशन आया था, क्या नोटिफिकेशन आया था, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल आपके लिए हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप चाहते हो कि अपने मोबाइल के अंदर कुछ भी वीडियोस, फोटोज़ वगैरह हाइड करना चाहते हो, या किसी ऐप के लॉक लगाना है, या अगर आपको किसी ऐप को ही हाइड करना है तो कैसे कर सकते हो किसी भी बिना ऐप के डाउनलोड किए। तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे नीचे आना है और ये देख पा रहे होंगे प्राइवेसी का ऑप्शन आपको मिल जाता है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऐप लॉक, और यहाँ पर लॉक लगा लीजिए जो भी आपको याद रह सकता है, और यहाँ पर आप किसी भी ऐप के लॉक लगा सकते हो, और यहाँ पर मिल जाएगा हाइड ऐप, सेम वही करना है, यहाँ पर लॉक लगाना है। अगर आपने एक बार लॉक लगा लिया है तो बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आप किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हो, और यहाँ पर आपको प्राइवेट सेव का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ भी सेम वही प्रोसेस करनी है, पासवर्ड लगाने हैं, और यहाँ पर आप कोई भी वीडियोज़, फोटोज़, ऑडियो, जो भी आपको छिपाना है ना, सब कुछ यहाँ पर छिपा सकते हो। तो यहाँ पर आपको किसी भी ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, अपने मोबाइल के अंदर आपको सिस्टम मिलता है सब कुछ करने का। और यहाँ पर आपको नीचे दिया गया सिस्टम क्लोनर, यहाँ पर क्या है तो दोस्तों, यहाँ पर आपके देखिए यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा,
फिर आप किसी भी मतलब जो दो चीज़ें हैं आप क्लोन कर सकते हो, यानी कि फेसबुक दो करने हैं या कुछ भी आपको दो चीज़ें करनी है तो क्लोन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखा होगा काफ़ी लोग ऐसे डबल टैप करते हैं तो उनकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है, और डबल टैप करते हैं उनकी स्क्रीन ऑन हो जाती है। तो ये सब आप अपने मोबाइल के अंदर कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपको सिंपली ऐसे स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना है और यहाँ पे साइड में जाना है, मोर का ऑप्शन आपको दिख रहा हो इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, नीचे जाना है और ये डबल टैप टू लॉक और रेस्ट टू वेक और डबल टैप टू, इन तीनों को ऑन कर लेना। ये चीज़ें क्या है मैं आपको बताता हूँ, तीनों को मतलब समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर डबल टैप करोगे तो आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, डबल टैप करोगे तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। ये देखिए आपको पावर बटन को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, और जो मैंने एक चीज़ और ऑन कराई थी आपको रेस टू वेक, उसका क्या मतलब है, जैसे कि मैंने फ़ोन को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऐसे फ़ोन को सिंपली उठाना है, उठाओगे आपको मोबाइल ऑन हो चुका है, मतलब कि आपको कोई नोटिफिकेशन वगैरह देखने तो आपको सिर्फ मोबाइल को उठाना है तो आपको यहाँ पे पावर बटन वगैरह क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो इन सभी को आप ऑन कर सकते हो और अगर आपको पसंद नहीं है तो ऑफ भी रख सकते हो। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो नीचे के बटन्स हैं ना ये अच्छे नहीं लग रहे यार, इनको हाइड करना है, एकदम आईफोन की तरह बनाना है, क्योंकि इतना अच्छा आपका मोबाइल है और यहाँ पर ये बटन्स वगैरह इतने अच्छे नहीं लगते, तो आपको बटन्स को हाइड कर सकते हो। बैक वगैरह कैसे जाना है इसके लिए मैं बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ आपको। लो, इसके लिए जाना है सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर आपको चले आना है कन्वीनियंस टूल्स के अंदर, नेविगेशन का ऑप्शन सबसे ऊपर मिल जाएगा और यहाँ पर आपको करना है स्वाइप गेस्चर्स फ्रॉम बोथ साइड्स। अब आपके देख सकते हो नीचे बटन्स वगैरह पूरे हाइड हो चुके हैं। अब अगर आपको बैक वगैरह जाना है ना तो आप ऐसे करोगे तो भी बैक चला जाएगा, इधर से करोगे तो भी बैक चला जाएगा, और अगर आपको होम स्क्रीन पे जाना है तो ऐसे करना है, सिंपली होम स्क्रीन पे आ जाओगे और आपको जो रिसेंट्स एप्स वगैरह देखने हैं तो ऐसे करके रखना है, रिसेंट्स एप्स आ जाएंगे। तो आप इनको कर सकते हो, और अगर आपको बटन्स ही रखने हैं तो आप बटन्स भी रख सकते हो, और अगर आप लेफ्ट हैंड ही हो, आप ज़्यादा मतलब लेफ्ट हैंड से यूज़ करते हो तो आप बैक बटन वगैरह लेफ्ट हैंड के अंदर भी रख सकते हो, जैसे कि ये बटन है ये लेफ्ट हैंड के अंदर हो जाएंगे, ये देखिए लेफ्ट हैंड के अंदर हो चुका है, ये पूरा मतलब उल्टा हो चुका है। तो आपके लिए जो सही है उसको आप ऑन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ स्क्रीन शॉट से रिलेटेड बताता हूँ, जैसे कि आप पावर बटन और यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन से लेते होंगे स्क्रीन शॉट, पर यहाँ पे मैं दो तीन तरीके और बताता हूँ। जैसे कि आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर आपको थ्री फिंगर से ऐसे करना है, और यहाँ पे स्क्रीन शॉट आ चुका है, और आपको अगर और भी लेना है तो ऐसे टैप करके रखना है थ्री फिंगर से, और ये देखिए आपको जितना भी बड़ा या छोटा करना है या राउंडेड शेप के अंदर, ये देखिए ये आप खुद ड्रॉ कर दीजिए आपको जहाँ से स्क्रीनशॉट चाहिए। देखिए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे तरीके मिल जाते हैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के, तो आप यहाँ से आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बारे में बताता हूँ। आपके मोबाइल के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल जाता है, तो उसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना है, साइड में जाना है, मोर के अंदर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे सबसे नीचे आना है, और ये देख पा रहे होंगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इसको ऑन करने से क्या होगा दोस्तों, जैसे कि आपका मोबाइल ऑफ रहेगा, ठीक है, पर आपके टाइम वगैरह शो होता रहेगा, और यहाँ पर आपको जैसे कि क्या क्या चाहिए, नीचे डेट वगैरह चाहिए, नोटिफिकेशन भी चाहिए कि किस किस चीज़ का नोटिफिकेशन आया हुआ है, वो भी आपके शो होता रहेगा अगर आपका मोबाइल ऑफ भी रहेगा, और बैटरी के परसेंटेज भी शो होंगे कि आपकी बैटरी परसेंट कितने हैं। तो आप इनको ऑन कर सकते हो, पर इससे थोड़ा सा एक नुकसान है, इससे बैटरी थोड़ी सी ड्रेन ज़्यादा होती है, तो आपको लगता है कि रियलमी 8 आपका जो है आपकी बैटरी थोड़ी ज़्यादा खा रहा है आपका मोबाइल, तो इसको ऑफ रख लीजिए। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो आप इसको ऑन रख सकते हो, ये भी काफ़ी यूज़फुल है, आपको टाइम वगैरह मतलब बटन वगैरह क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, टाइम ऊपर शो होता रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं अब आपको एक आखिरी का हिडन फीचर बताता हूँ जो कि आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। इसके लिए जाना है आपको सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर नीचे आना है, और ये देख पा रहे होंगे डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंशियल कंट्रोल, और यहाँ पर शो डाटा के ऊपर जाना है, और यहाँ पर देखिए मैंने जैसे कि आज 10 मिनट के लिए यूज़ किया, तो आप जाकर अपने मोबाइल के अंदर ज़रूर देखिए कि आपने पूरे दिन में कितने घंटे तक मोबाइल को यूज़ किया और कितनी बार अनलॉक किया। जैसे कि मैंने 6 बार मोबाइल को अनलॉक किया है, अभी नोटिफिकेशन कुछ आए नहीं है, तो आपके मोबाइल के अंदर आप जाकर देखिए कि पूरे दिन के अंदर कितने नोटिफिकेशंस आते हैं, और जब इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप पूरे एक महीने की देख सकते हो पूरी डिटेल कि आपने एक महीने में क्या किया है और क्या क्या यूज़ किया है, जैसे कि सेटिंग्स यूज़ किया है, फ़ोन यूज़ किया है। तो आपको ये ध्यान में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो कीमती समय है आप कहाँ पर बिता रहे हो, तो एक बार जाकर जरूर ट्राई करिए। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आपको इन हिडन फीचर्स में से सबसे अच्छा कौन सा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अभी तो हम रियलमी 8 के बारे में और भी बहुत कुछ लाने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए।